जरा याद करिए 1980-90 के कालखंड को, महीनों तक यहां कर्फ्यू लगा रहता था, सूरज ढलने से पहले लोग घर में चले जाते थे, छुराबाजी आए दिन, हुल्लड़, पतंग को लेकर के कम्युनल वायलेंस, साइकिल टकरा जाए कम्युनल वायलेंस, यहां का स्वभाव बन गया। यहां बच्चा पैदा होता था तो मां या बाप शब्द बाद में सीखता था, कर्फ्यू शब्द पहले सीखता था, क्योंकि कर्फ्यू देखता था। और 90 के दशक के पहले के दिन याद करो, और आज 10 साल बीतने पर कर्फ्यू का नामो निशान नहीं। किसी भी सभ्य समाज को ऐसी घटनाएं शोभा नहीं देती, लेकिन तब एक ऐसा बुखार था, एक ऐसा माहौल था कि हमारे दर्द को, हमारी पीड़ा को न कोई सुनने को तैयार था, न कोई समझने को तैयार था। जिसको मौका मिला गुजरात को कोसते रहे, बदनाम करते रहे, किसी ने साथ नहीं दिया, गुजरात को उसके नसीब पर छोड़ दिया गया। और तब गुजरात ने ठान ली कि हम रास्ता खोजेंगे। अक्षरधाम की घटनाओं के बाद, इतनी भयंकर घटना के बाद, शांति, एकता और सद्भाव का परिचय दिया था और एक कंकर तक नहीं गिरा। लेकिन किसी को इस सच्चाई की ओर नजर करने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों में इतने पत्थर लेकर के रखे थे कि जब तक उस पत्थर मारने का कार्यक्रम पूरा नहीं होता है वो रुकना नहीं चाहते। जुल्म होते रहे, हम जुल्म सहते रहे, और शांति, एकता और भाईचारे के मंत्र को हमारे भीतर एक शक्ति के रूप में परिवर्तित करके विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के रास्ते हम खोजते रहते हैं।